गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। आज हम फिर से एक न्यू व्लॉग को लेकर आए हैं। क्रिकेट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट है, लेकिन बस एक स्पोर्ट होने के अलावा ये एक सेलिब्रेशन भी है। ये एक इमोशन है जो पूरे नेशन को एक साथ जोड़कर रखती है। क्रिकेट वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। आज बहुत सारी कंट्रीज इस स्पोर्ट को खेलते हैं, जो सभी एजेस, जेंडर, कला और नेशन को एक साथ लाता है। चाहे वो ODI, टेस्ट, IPL या गली क्रिकेट हो, जो देखने में बहुत मज़ेदार होता है। आज हम एक ऐसे जगह को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम, जो सहकार नगर पुणे में लोकेटेड है। इंडिया क्रिकेट में एक बहुत धनी इतिहास रखता है। वर्ल्ड के कुछ बेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया में से ही हैं। इंडिया में इस एन्चेंटिंग स्पोर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में एक म्यूजियम बनाया गया है। ये म्यूजियम 2012 में फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रोहन पाटे ने बनाया था। म्यूजियम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर लोकेटेड है। उन्होंने सेम फ्लोर पर 2 फ्लैट्स को जोड़कर म्यूजियम के लिए कम्फर्टेबल स्पेस बनाया है। म्यूजियम का एरिया ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फुट का है। म्यूजियम का एंट्रेंस एक वाइड डोर से होता है। एंट्रेंस पर 1720 से लेकर आज तक के बैट्स के इवोल्यूशन का डिस्प्ले है। म्यूजियम के अंदर अनबिलीवेबल एंड रेयर कलेक्शंस दिखाए जाते हैं, जिसमें पर्सनली ऑटोग्राफ बैट्स, बॉल्स, जर्सी, किट्स, कैप्स, शूज एंड ग्लव्स शामिल हैं, जो दुनिया भर के हीरोइक क्रिकेटर्स के हैं। इसके इंटीरियर की बात की जाए तो म्यूजियम की इंटीरियर डेकोरेशन सिंपल एंड सबटल रखी गई है। वुड्स को एक एंडलेस पर ल्यूमिनेट से डेकोरेट किया गया है, जिससे बहुत ही अर्थी एंड रस्टिक वाइब्स प्रोड्यूस होते हैं। सॉफ्ट वॉलपेपर का यूज़ वुड के लैमिनेट्स के अपोजिट किया गया है, ताकि लाइट टोन्स को जोड़ा जा सके, ज़्यादा अट्रैक्शन डिस्प्ले पर बनी रहे। आर्टिफिशियल लाइटनिंग को बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया गया है, जो स्पेस को और भी ज़्यादा इल्यूमिनेट करती है। एंटायर म्यूजियम को एयर कंडीशनिंग के थ्रू कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रखा गया है। मेन हॉल में एक अट्रैक्टिव झूमर डेकोरेटेड किया गया है, जो स्पेस को और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। आप यहाँ की ऑन डिस्प्ले आइटम्स और मोमेंटोज को देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सचिन तेंदुलकर्स 2011 वर्ल्ड कप जर्सी को आप यहाँ देख सकते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2011 के सक्सेसिव फाइनल मैच में विटनेस की गई जर्सी भी आप यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ये आइकॉनिक मेमोरेबल हमारे म्यूजियम में एक्सक्लूसिवली शोकेस किया जाता है, विच होल्ड्स इमेजरेबल वैल्यू एंड रिप्रेजेंट्स अ पिनाकल मोमेंट इन तेंदुलकर्स इलस्ट्रियस करियर। विराट कोहलीज 2016 बैट। क्रिकेट के ग्रेटेस्ट मॉडर्न आइकॉन्स विराट कोहली ने इस लेजेंडरी बैट के थ्रू एक सिग्निफिकेंट चैप्टर रखा। इनक्रेडिबल 2016 के रिमार्केबल ईयर में विराट कोहली ने क्रिकेट की हिस्ट्री के पन्नों में अपना नाम रखने के लिए रिलेंटलेस एफर्ट किया और इंडिया के नेक्स्ट लीजेंडरी क्रिकेटर के रूप में अपनी स्टेटस को सॉलिडिफाई किया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट जो विराट कोहली जोन में डिस्प्लेड है ऑल्सो कैरीज अ लीगसी ऑफ इट्स ओन। ये वही बैट थी जिसने विराट कोहली को 2016 के इवेंटफुल ईयर में साथ दिया था, जब उन्होंने उन रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया जो क्रिकेट एंथुजियास्ट को सरप्राइज कर दिया। विद दिस बैट इन हैंड विराट अचीव मॉन्यूमेंटल फीट्स दैट फॉरएवर एच्ड हिज नेम इन द क्रिकेटिंग पैंथियन। 2016 के इलस्ट्रियस ईयर में विराट ने टोटल एस्टाउंडिंग 973 रन्स बनाए, सभी एक्सपेक्टेशंस को पार किया और रिकॉर्ड बुक्स को नया रूप दिया। वर्ल्ड कप जोन। वर्ल्ड कप एक हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज है जो हमारी लाइफ्स में हमें कैप्टिवेट करती है। जैसे हम होप करते हैं कि हमारी फेवरेट टीम विन करेगी और कोवेटेड कप उठाएगी, चाहे वो ODI, T20 और टेस्ट मैच की हो। स्पेशली वर्ल्ड कप एंथुजियास्ट के लिए एक क्यूरेटेड जोन बनाया गया है। ये जोन 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत से लेकर
आज तक के डेट की विक्टोरियस टीम्स के वेरियस ऑटोग्राफ बैग्स डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। ट्रिपल सेंचुरी जोन। क्रिकेट के करंट T20 डोमिनेटेड एरा में अक्सर अपने फेवरेट बैट्समैन थ्रू सेंचुरी बनाने का प्लेजर लेना थ्रिलिंग होता है। हाउएवर, टेस्ट क्रिकेट के फील्ड में एक टाइम था जब लीजेंडरी प्लेयर्स एक ही मैच में ट्रिपल सेंचुरीज बनाने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस को अचीव करते थे, जो एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट थी जिसके लिए ये इमेंस रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ की डिस्प्ले पर लीजेंडरी प्लेयर्स की जर्सी भी देख सकते हैं, जैसे कि केन विलियमसन, अनिरुद्ध सिंह जडेजा, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस गाइले, शुभमंगन गिल। इसके बाद आप वेरियस क्रिकेट मैचेस की बॉल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लसित मलिंगा जो श्रीलंका के प्लेयर हैं और ये बॉल 2004 की है, उन्होंने इसी साल में 338 विकेट्स लिए। ब्रेट ली एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और ये बॉल 2002 से लेकर 2012 की है। इन्होंने इस बॉल पर पर्सनली अपना ऑटोग्राफ दिया था जब वो खुद इस म्यूजियम को विजिट करने आए थे। ग्लेन मैक्सग्रैथ, ये भी एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और ये बॉल 1993 टू 2007 की हैं और इसी साल इनके 381 विकेट्स रहे। सनत जयसूर्या, ये एक श्रीलंकन प्लेयर हैं और ये बॉल 1989 टू 2011 की हैं, इन्होंने इसी साल 323 विकेट्स लिए। इन्होंने भी पर्सनली अपना ऑटोग्राफ दिया था जब वो म्यूजियम के विजिट के लिए आए थे। जवागल श्रीनाथ, ये एक इंडियन प्लेयर हैं और ये बॉल 1991 टू 2003 की है। इनके जो विकेट्स रहे वो 315 थे। अनिल कुंबले, ये भी एक इंडियन प्लेयर थे और ये बॉल 1990 टू 2007 की है, उन्होंने इसी साल 337 विकेट्स लिए। डैनियल विक्टोरी, ये एक न्यूजीलैंड प्लेयर है और ये बॉल 1997 टू 2015 की है, इन्होंने जो विकेट्स लिए वो 305 के थे। चमिंदा वास, ये एक श्रीलंकन प्लेयर है और ये बॉल 1994 टू 2008 की है, इनके 400 विकेट्स थे। वाकर यूनिस, ये एक पाकिस्तानी प्लेयर हैं और ये बॉल 1989 टू 2003 के हैं और इनके 416 विकेट्स थे। और भी प्लेयर्स की बॉल, जैसे कि जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड प्लेयर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड प्लेयर, शेन वार्ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, कोर्टनी वॉल्च वेस्ट इंडीज प्लेयर की बॉल्स भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। शूज सेक्शन में शोएब अख्तर जो पाकिस्तानी प्लेयर एंड ब्रीट ली जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनके भी शूज़ आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। कैप्स के सेक्शन में आप ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, रमाकांत देसाई इंडियन प्लेयर, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज प्लेयर, जॉफ्रे बॉयकॉट इंग्लैंड प्लेयर, इमरान खान पाकिस्तानी प्लेयर, इन सभी कैप्स को देख सकते हैं। MS धोनी जोन। MS धोनी एक इंडियन क्रिकेट प्लेयर थे जिन्होंने विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में खेला। वो ऑल टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में से वाइडली रिकॉग्नाइज किए जाते थे। उन्हें उनके एक्सप्लोसिव बैटिंग, विकेट कीपिंग एंड लीडरशिप स्किल्स के लिए जाना जाता था। 2011 में इंडिया को उनके सेकेंड वर्ल्ड कप ट्रायंफ की डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंटली लड़ने वाले MS धोनी ने इंडिया के वर्ल्ड कप 2019 ओपनिंग मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में खेलते समय इंडियन आर्मी बलिदान बैच के साथ विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनकर उनके फैंस को इम्प्रेस्ड किया। CSK ऑफिशियल MS धोनी जर्सी फीचर्स आइकॉनिक येलो एंड ब्लू टीम कलर्स, जिनमें टीम का लोगो प्रोमिनेंटली चेस्ट पर डिस्प्लेड है। जर्सी पर पीछे MS धोनी थ्रू वेयर की जाने वाली नंबर 7 को भी मेंशन किया गया है। युवराज सिंह, युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप्स में अवार्डेड किया गया मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, जिसमें उन्होंने मैच में यूज किए गए बैट एंड ग्लव्स इंक्लूडेड हैं। ये वही है जिन्हें उन्होंने यूज किया था।
लैंसी काइंस एक न्यूजीलैंड प्लेयर हैं। उनके यूज किए हुए बैट्स, ग्लव्स एंड पिंक बॉल डिस्प्ले पर हैं। वो एक ऑलराउंड प्लेयर थे जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। उन्हें उनके करियर के मेजर पार्ट में यूज करने के लिए उनकी अनयूजुअल बैट के लिए भी जाना जाता है। म्यूजियम का इनॉग्रेशन लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने खुद किया था। ये म्यूजियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम है और पूरी तरह से क्रिकेट स्पोर्ट को डेडिकेटेड है। रोहन पाटे ने ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी की प्रेजेंस को खास तौर पर क्रिकेट एंथुजियास्ट के लिए सोचा था, लोगों को क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने और यंगर जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। ये म्यूजियम वर्ल्ड के क्रिकेटर्स की 75,000 पीसेस ऑफ मेमोरेबिलिया एंड आर्टिफैक्ट्स का एक इम्प्रेसिव कलेक्शन है। म्यूजियम का मेन ऑब्जेक्टिव क्रिकेट के गोल्डन मोमेंट्स को हिस्ट्री एंड प्रेजेंट के थ्रू प्रिजर्व एंड शेयर करना है। ऐसी टीम के सभी प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स दिखाई जाते हैं जो सिर्फ ये दिखाता है कि क्रिकेट कभी एक पर्सन का स्पोर्ट नहीं है बल्कि हमेशा एक टीम का स्पोर्ट है। म्यूजियम को टोटल 51,000 प्लस क्रिकेट मेमोरेबिलिया कलेक्ट करने के लिए एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेंशन किया गया है। 2021 तक 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर म्यूजियम को विजिट कर चुके हैं। ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी खुद में एक मॉन्यूमेंट है जिसमें पास से लेकर प्रेजेंट तक क्रिकेट के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं फिर से हमारे नए ब्लॉग में एक और यूनिक जगह के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।